शॉर्ट के साथ 230 मीटर लंबी पतली रोप को एक ट्यूब कंटेनर से फेंका जाता है। ये डिवाइस लाइन थ्रोविंग रोप से जाना जाता है और अक्सर जब एक जहाज में कोई इमरजेंसी होती है या फिर किसी और जहाज या मुश्किल पहुंचने वाले स्थान तक एक रोप पहुंचाने की जरूरत होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि रोप पतली दिख रही है लेकिन ये 200 किलोग्राम तक के बोझ और पुलिंग फोर्सेस को सह सकती है।